नमस्कार दोस्तों, आज है 27 नवंबर और 27 नवंबर की करंट अफेयर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उस पर डिस्कस करेंगे। और एक हम जो जीएस का क्वेश्चन भी साथ में इंक्लूड करते हैं, और जो हम आपसे लास्ट में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जो पूछते हैं उसका आंसर जरूर आप दिया करिए। चलिए आइए हम आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया गया। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भारत में 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिसे श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, उनका जन्मदिन होता है। इसलिए 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। हमने आपको कल बताया था भारतीय संविधान दिवस भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ भी आप को क्लियर होना चाहिए। इसी दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, इसीलिए भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो आप ये दोनों दिवस जरूर याद रखिएगा। जो अपना अगला टॉपिक है वो है अंतरराष्ट्रीय महिला विश्व T20 खिताब। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा कर जीता। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि सेमीफाइनल ने इंग्लैंड ने भारत को हरा दिया था और फाइनल में प्रवेश किया था, और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा दिया, और ये चौथी बार ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड T20 खिताब जीत लिया है, 6 बार में चौथी बार। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा बार जीतने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया है। फिर आपका जो अगला टॉपिक है वो है डेरा बाबा नानक करतारपुर साहिब कॉरिडोर की आधारशिला एम वेंकैया नायडू ने रखी है। जैसा कि आपको पता होगा कि सिखों के पहले गुरु जी थे गुरु नानक, उनकी जो गुरु नानक की जो बर्थडे वो है पाकिस्तान में, तो वहाँ पास पहुँचने के लिए भारतीयों को प्रॉब्लम होती थी सिखों को, तो पंजाब राज्य से पाकिस्तान को जोड़ने के लिए नानकपुर को डेरा बाबा नानकपुर करतार साहब कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसकी आधारशिला एम वेंकैया नायडू ने रखी है। ठीक है, अब है आपका UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले UNDP की फुल फॉर्म, UNDP की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा राज्य में होता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जीएस से हमने लिए हैं। ठीक है, फिर हम जब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आज का क्वेश्चन है सेंटिनली जनजाति भारत में कहाँ निवास करती है। ऑप्शन है आपके लिए दिल्ली, उत्तरी अंडमान, मुंबई और पंजाब। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप कल का वीडियो जा करके देखिएगा, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे देंगे, और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको पूरी मदद मिलेगी। हम टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको दे देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।